अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होंडा डीजल एक ऐसी गाड़ी है जिसने पाकिस्तान में बहुत जल्दी अपनी एक मार्केट बना ली। उसकी वजह ये थी कि गाड़ी जो है ये कम्फर्ट वाइज से कार से बेहतर थी और क्रॉसओवर थी तो कम्फर्टेबल थी, और जो फीचर इस गाड़ी में उस वक्त ऑफर हो रहे थे वो किसी भी गाड़ी में पहले पाकिस्तान में ऑफर नहीं हो रहे थे। और ये गाड़ी जो है मेरे पीछे वाला जो वेटिंग खड़ा है 2014 मॉडल है, और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, आप इसे कॉन्टैक्ट करके गाड़ी की सारी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइस भी आपके ऊपर चल रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप रब्ता कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। एक्सटीरियर डिज़ाइन की इस गाड़ी की बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि इसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है और काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। इधर आपको मैं दिखाऊं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डीएल के साथ आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, और आपको जो दूसरी हाई बी में वो आपको सिंपल लाइट मिलती है हेलोजन वाली। आपको बहुत क्लियर एक आपको क्रोम की ट्रिमिंग इस गाड़ी में नज़र आ रही है फ्रंट में, और इसमें ग्लॉस में क्रोम नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स के साथ यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है ये मेटेलिक कलर में पेंट हुआ हुआ ग्रे कलर में, नीचे आपका एयर इंटेक है। और फ्रंट एंड से गाड़ी जो है ना अभी भी प्यारी लगती है। अभी थोड़ी सी जो नया मॉडल आया उसमें इन्होंने थोड़े से चेंजेस कर दिए, तो जो प्रीवियस मॉडल जितने भी हैं तो सब में जो है ये लाइट थोड़ी सी चेंज हुई है। आपको इसके बोनट में भी यहाँ पे आपको कट नज़र आएगा, और यहाँ से भी अगर आप देखें और इसकी जो छत है ना अगर आप देखें तो ये रूफ रेल के साथ आपको स्लोप नज़र आता है, और ये डाउन फोर्स देता है जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड पर जाती है बैटर ग्रिप के लिए गाड़ी को। साइड पर आ जाओ तो आपको इस गाड़ी में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और टू टोन शेड में आते हैं ब्लैक और सिल्वर, और ये मोस्टली व्हील के वेरिएंट्स में इसी कलर के ही अलॉय व्हील्स आते हैं। आपको यहाँ पे साइड पे हाइब्रिड की बैटरी मिल जाती है, नीचे आपको एक कट मिलता है, और उसमें आपको एक इसमें क्लिप लगी हुई है एक एक्स्ट्रा जो आपको नज़र भी आ रही होगी नीचे गाड़ी के। और अगर आपको सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है, आपके जो दरवाजे हैं उनमें आपको एलईडी टर्न सिग्नल मिलता है, और एक बड़ी क्लियर आपको करेक्टर लाइन एक नज़र आ रही है ये गाड़ी में, आपको पीछे दरवाजे तक जाती है। सिल्वर कलर में पेंट हुआ है इसका डोर हैंडल का, आपको वन टैप कीलेस एंट्री मिलती है, यहाँ पे भी आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है गाड़ी में। और ये वो किट है जो इसमें लगी हुई है मोडोला की, ये होंडा की गाड़ियों में आती है, सिटी में जो लोकल आती है उसमें भी ये चीज़ आती है। और साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पिछले आपको रेयर टिंटेड ग्लास मिलता है, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये एयर ब्रश स्टैंडर्ड आता है। इसका जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे आता है जैसे टोटा CHR में आता है, यहीं से आप इसको दरवाजे को खोल सकते हैं, मतलब इधर से मुझे हाइड किया जा रही है वो कैरेक्टर लाइन जो इस गाड़ी में नज़र आ रही है। पिछली साइड पे आ जाओ इस गाड़ी के तो आपको LED टेल लाइट्स होती हैं बड़ी प्यारी, आपको नीचे ऊपर, और आपकी जो टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट है वो आपको सिंपल मिलती है। हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, और रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा किट जो इसमें लगी हुई है स्पोर्ट किट, आपका एग्जॉस्ट सिंपल, और रियर वाइपर ब्लैक फुली टेंटेड ग्लास है पीछे वाला, आपकी विजन की बैजिंग मिलती है, आपको यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलता है, और इसमें आपको पल वाइट पेंट मिलता है, यहाँ पेंट नहीं है सिंपल वाइंड शार्फिन एंटीना, और आपके रूफ रेल्स सिल्वर कलर में वो आपको मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैंने एक और देखी है इस गाड़ी में ना, बैक साइड में भी इन्होंने बड़े कट्स दिए हुए हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये लाइट्स के नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, और इसी तरह आपको बम्पर के नीचे भी इधर साइड पर भी कट नज़र आ रहा है, तो ये इन्होंने इसका डिजाइन बनाया। बाकी ओवरऑल गाड़ी खूबसूरत एक्सटीरियर वाइज। ये है जी होंडा विजन की चाबी, और रेड कलर में आपको होंडा की बैशिंग मिलती है, लॉक अनलॉक कीलेस सिस्टम है गाड़ी का। अभी अंदर जाके देखते हैं गाड़ी में। अब गाड़ी में एंटर होते हुए यहाँ पे आपको ब्लू कलर में विजन लिखा नजर आता है, अभी ये कैमरे में तो नहीं था, लाइट की वजह से कैप्चर हो रहा है। सिल्वर ट्रिम आपको मतलब गाड़ी का नाम रिमाइंडर करवाने के लिए। जो सीट्स हैं इस गाड़ी की वो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट वाली आती हैं। ये है जी होंडा विजन का इंटीरियर, और ये तो डार्क शेड में है, ब्लैक कलर में है। वैसे इसमें मैंने देखा कि ये जो पोर्शन ट्रिम लेवल का होता है ना ये ऑरेंज कलर में भी आता है। और बाकी मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो सॉफ्ट मटेरियल मिलता है आपको, यहाँ पे भी सॉफ्ट मटेरियल मिलता है, और ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा साइज का इस गाड़ी का। और जो इसके एसी के वेंट है ना पैसेंजर साइड वाले काफ़ी बड़े हैं, अगर आप देखें तो तीन वेंट है लेकिन इकट्ठी एक किस्म की वो आ रही है उसमें फिनिंग। आपको सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है इसमें, और इस तरफ आपकी स्क्रीन है उसके साथ भी आपको यहाँ पे हेजल स्विचेस के साथ एसी का जो वेंट है उसमें ट्रिमिंग मिलती है। आपका ऑटोमेटिक एसी आता है, और ये सारे का सारा टच पैनल है। इधर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये जो गियर नॉब है इस गाड़ी का बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा, और बड़ा इजी इसको पकड़ना बहुत इजी है, बड़ा कन्वीनियंट पोजीशन पे है। और जो पोर्शन है यहाँ पे इसमें ग्लॉस ब्लैक पेंट हुआ हुआ है,
आपका स्पोर्ट बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ब्रेक होल्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपका जो कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, कंसोल के ऊपर भी आपको जो आर्मरेस्ट है ना इसमें भी आपको वही सॉफ्ट पैडिंग मिलती है जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, अगर मुझसे ये खुल जाए तो ये बटन है तो काफ़ी बड़ा है, आपको काफ़ी अच्छा मतलब स्टोरेज स्पेस मिल जाता है यहाँ पे भी। और ये इस गाड़ी का गेज क्लस्टर है और आपको वाली वेलकम सी फीलिंग देता है, इस तरफ आपको वो वीजल की बैजिंग देता है। और स्टेयरिंग जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लीवर बना हुआ है नीचे इस जगह पे और ये ऊपर और नीचे और आगे पीछे नहीं होता। और नीचे रख के मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गेज क्लस्टर है, बड़ा सिंपल और बड़ा खूबसूरत सा 3D सा इफेक्ट इसमें आ रहा है। आपको इस तरफ आपके सारे गियर की इन्फॉर्मेशन, ये सारी स्क्रीन है सेंटर में आपको बस वो मिलता है। और इस तरफ अगर मैं आपको लेके आऊँ तो ये 14 मॉडल है, तो अब मैं स्क्रीन का आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन मेरी समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैपनीज लिखी हुई है और ऑडियो और ये जी इसके ट्रैक्स है सारे। और अगर आपने बैग जाना है काफ़ी ये स्लो ही है क्योंकि मॉडल के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी पुराना है। मेन्यू आपको मिल जाता है और ये देखना इसका रिस्पांस भी हल्का है और स्क्रीन IPS है और IPS के कलर जो हैं वो इतने तेज़ नहीं होते, तो मैं इसको ज़्यादा मतलब नहीं कहूँगा क्योंकि 14 मॉडल की गाड़ी है तो 14 मॉडल में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जो AC थे मैंने आपको दिखाया था कि डिजिटल है और आपको हीटेड सीट मिलती है फ्रंट और ड्राइवर साइड वाली, ये है जैसे आप उनका टेम्परेचर करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको सारे के सारे जो कंट्रोल हैं वो आपको टच में मिलते हैं, तो ये एक बड़ी लग्जरी टच है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको डोर वाइजर मिलते हैं और उसमें आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलता है, आपको LED लाइट्स मिलती हैं और काफ़ी ब्राइट लाइट है। और इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आता और इधर भी आपको मैं दिखाऊं तो इधर भी आपको वही चीज़ मिलती है और ये एक अच्छी चीज़ है। आपका ऑटो डिमिंग मिरर है, ये आपको पाकिस्तान में काफ़ी फ़ायदा देता है। दरवाज़ों में आ जाऊं तो आपको यहाँ पे फैब्रिक मिलता है मटेरियल में और इधर आपका डोर लॉक अनलॉक का बटन है, आपके सारे विंडो स्विचेस ऑटो में आते हैं और यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक और दूसरे लॉक आपके मिल जाते हैं। आपका मिरर कंट्रोल है आपका और जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, AC आपको वो स्पीकर मिल जाता है। वीजल की फ्रंट सीट पे बैठा हूँ और कंफर्टेबल सीट्स हैं, आपको जो सीट है ना सेंटर में आपको सीट के मिलती है फैब्रिक और जो साइड्स हैं वो ये वाली जो है ये आपको मिलती हैं लेदर में। और सीट्स काफ़ी बकेट टाइप बनाई हुई हैं, अच्छी सीट्स हैं और कंफर्टेबल सीट्स हैं। जैपनीज गाड़ियों में तो मैंने मतलब काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको कंफर्ट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता और बड़ी मज़े की सीट्स हैं जी। इस वक्त वीजल की मैं आ गया हूँ पिछली सीट पे और ये सीट मैंने फुल पीछे कर दी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको कुछ इंच का नी रूम मिल जाता है और काफ़ी है। बाकी ये है कि कैबन इस गाड़ी का जो है वो खुला है और फ्लोर भी आपको इतना ज़्यादा मतलब उठा हुआ नहीं नज़र आता। यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिल जाता है 12 वॉट का, अच्छी चीज़ है। कप होल्डर भी मिल जाता है और सीट्स में यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं तो कोई चीज़ वगैरह आप रख सकते हैं और खुला कैबन है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कुछ सुना था वीजल के बारे में कि इसकी बैक सीट थोड़ी ना अनकंफर्टेबल होती है, कुशनिंग ठीक है सीट की लेकिन जो पोजीशनिंग है ना पीछे से वो थोड़ी स्ट्रेट है, मतलब डिक्लाइनिंग वाली नहीं है, तो आप बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं करती, काफ़ी सॉफ्ट सीट है लेकिन मुझे थोड़ी पोजीशनिंग इसकी लगी है कि ये थोड़ी बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर है, शायद आने वाले मॉडल में और बेहतर होगी। बाकी सीट्स कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट है, आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस आर्मरेस्ट है इसमें, कप होल्डर वगैरह कोई नहीं आते और ठीक है। आप इसमें दो बंदे बैठ सकते हैं, तीसरा बैठना चाहे तो कोई छोटा सा तकड़ा सा बंदा बैठा दें मेरे जैसा फैमिली बंदा नाम बैठाए तो बेहतर है। पिछले दरवाजे में भी आपको यहाँ पे लेदर मिलता है, ऑटो विंडो स्विच आपका, क्रोम डोर लॉक अनलॉक है, फैब्रिक है, वाइट स्टिचिंग इसमें हुई है, स्पीकर और इसमें एक मैंने टिश्यू का पैकेट रख दिया था, मतलब कि आपका कप होल्डर है, बॉटल होल्डर है, आराम से आ जाएगा। की बात करूँ ना तो होंडा विजल में इस वेरिएंट में आपको 8 एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट ड्राइवर पैसेंजर वाला, ए पिलर में भी आपको मिलता है, सीट में भी मिल जाता है और इसकी जो पिछली सी पिलर है वहाँ पे भी आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ऑटो क्लीन वार्निंग आता है, ABS ब्रेक्स आती हैं, तो सेफ्टी वाइज तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा इस गाड़ी का, एक तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको लगेज स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, आपको यहाँ पे सॉकेट भी मिल जाता है 12 वॉट का और इस तरफ आपको LED लाइट भी मिल जाती है और बड़े आराम से आपका इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। और इसमें आपको नीचे स्पेयर व्हील नहीं मिलता, टायर पेयरिंग किट आती है, जापानी गाड़ियों में ज़्यादातर में टायर पेयरिंग किट ही आती है, स्पेयर व्हील काम ही गाड़ियों में आता है।
और बाकी काफ़ी बड़ा स्पेस है। इंजन की बात करता चाहूँ ना तो ये गाड़ी 1500 cc हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। ये होंडा फिट में भी यही इंजन आता है जो 1500 cc वाला वेरिएंट आता है और ये आपको शहर में बड़े आराम से 15+ का एवरेज दे देगी और ये बहुत अच्छा हैंडी नंबर है और इसी वजह से ये गाड़ी जो है ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कामयाब हुई थी। गाड़ी के साइज से आपसे इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मारें, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों और नोटिफिकेशन को ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मुझे अपनी राय के साथ बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @tokidzafar03। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।